हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गाइस टू यूट्यूब चैनल होम स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है करंट अफेयर्स। सो आज मैं बात करने वाला हूँ 1 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है और आने के चांसेस भी है। सो देख लेते हैं पहला सवाल क्या है। दोस्तों, इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसे एंड तक देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए। सो पहला सवाल है, 3 स्पेसीज ऑफ ब्लैक कोरल हैव बीन डिस्कवर्ड ऑन द सी बेड ऑफ विच ओशियन। सो तीनों ब्लैक कोरल का तीनों स्पेसीज का डिस्कवर किया गया है। सो सवाल यही है कि कौन सी ओशियन की सी बेड में ये जो ब्लैक कोरल की जो तीनों स्पेसीज की डिस्कवर हुई है वो देखा गया है। सो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अटलांटिक ओशियन, ऑप्शन बी नॉर्दर्न स्पेसिफिक ओशियन, ऑप्शन सी साउथ पैसिफिक ओशियन, ऑप्शन डी इंडियन ओशियन। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नॉर्दर्न स्पेसिफिक ओशियन। नेक्स्ट सवाल पे चले जाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं क्या है। साइंटिस्ट हैव फाउंड एन एक्सक्लूसिव चैमिलियन स्पेसिस दैट वाज लास्ट स्पॉटेड इन मादागास्कर हाउ मेनी इयर्स अगो। सो साइंटिस्ट ने रिसेंटली एक चैमिलियन स्पेसिस का डिस्कवर किया है। सो जिसे मादागास्कर में कितने साल पहले देखा गया था। सो ऑप्शन देख लेते हैं, 100 ईयर्स, ऑप्शन बी 200 ईयर्स, ऑप्शन सी 300 ईयर्स, ऑप्शन बी 400 ईयर्स। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 100 ईयर्स। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल है, व्हिच क्रिकेटर हैज बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर इन T20 हिस्ट्री टू स्मैश 1000 सिक्सेस इन द शॉर्टेस्ट फॉर्मेट। सो कौन सा क्रिकेटर जो कि दुनिया की फर्स्ट क्रिकेटर बन चुका है, जो कि T20 हिस्ट्री में सबसे शॉर्ट स्पैन पे, सबसे शॉर्ट फॉर्मेट पे, सबसे शॉर्ट टाइम पे क्या हुआ कि 1000 सिक्सेस बनाया है। ठीक है, सो सबसे कम टाइम पे किसने 1000 सिक्सेस बनाया है देख लेते हैं। ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी क्रिस गेल, ऑप्शन सी रोहित शर्मा, ऑप्शन डी हार्दिक पांड्या। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी ऑब्वियसली क्रिस गेल। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं क्या है। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। सो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का रिसेंटली लॉन्च किया है। सो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी तेलंगाना एंड ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। सो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी तेलंगाना। सो रिसेंटली तेलंगाना गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है अप टू 2050 तक मिनिमम 2 लाख, नॉट मिनिमम एक्चुअली 2 लाख मैक्सिमम होगा, ठीक है, 2 लाख मैक्सिमम 2 लाख टू व्हीलर को सब्सिडी देने वाले हैं। क्या सब्सिडी मतलब कि जो रोड टैक्स होगा और बाकी जो टैक्सेस होगा उसमें छूट मिलेगी, ठीक है, और बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन चार्ज होता है डिफरेंट टाइप खरीदने पे वो भी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो केरला गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल को पुश करने के लिए, ठीक है, ये पॉलिसी रिसेंटली लॉन्च किया है और 2 लाख व्हीकल को रोड टैक्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, व्हिच स्टेट गवर्नर हैज रिलीज ए साइंस टून बुक। सो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने साइंस टून किताब का लॉन्च किया है रिसेंटली। सो साइंस टून किताब जो है वो एक टाइप का किताब है जिसमें COVID-19 रिलेटेड जो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है वो होगा, जैसे कि COVID-19 सिम्टम किस तरह के होते हैं, कितने दिनों का के रहेगा और इसका खतरा क्या है और इससे कैसे बचाया जा सकता है, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा घर से ही कैसे ट्रीटमेंट हो सकता है इसे, ठीक है, क्वारंटाइन और बाकी जो चीज़ें करना पड़ता है। सो यही इस बुक किताब का नाम दिया गया है साइंस टून बुक। सो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर कौन सी स्टेट ने किताब का रिसेंटली रिलीज किया। सो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट सवाल देख लेते क्या है। नेक्स्ट सवाल है, व्हिच गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड मोर देन 40 करोड़ टू प्रोवाइड मेडिकल इंश्योरेंस ऑफ 5 लाख एंड टर्म इंश्योरेंस ऑफ 10 लाख रुपीज टू लॉयर्स हु आर रेसिडेंट ऑफ दैट स्टेट। सो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली 40 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किया है, किस काम के लिए एलोकेट किया, मेडिकल इंश्योरेंस
5 लाख रुपीज़ की मेडिकल इंश्योरेंस देने वाला है और 10 लाख रुपीज़ की टर्म इंश्योरेंस देने वाला है लॉयर को, सो जो कि उस स्टेट का रेजिडेंट है। सो जो 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 लॉयर स्टेट का रेजिडेंट है उसे 5 लाख रुपीज़ का मेडिकल इंश्योरेंस एंड 10 लाख रुपीज़ का टर्म इंश्योरेंस मिलेगा। सो टोटल बजट है 40 करोड़ रुपीज़ एलोटमेंट किया है। सो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने काम किया है, ऑप्शन देख लेता है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दिल्ली। नेक्स्ट सवाल देख लेते क्या है। नेक्स्ट सवाल है व्हिच स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट डिसाइडेड टू सेट अप पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट क्लिनिक्स अक्रॉस द स्टेट सून। सो कौन सा स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ने कोविड ट्रीटमेंट जो क्लिनिक्स है वो पूरी स्टेट में बहुत जल्दी खोलने वाले हैं। सो कौन सा स्टेट है देख लेते हैं। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी गुजरात। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी केरला। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द उत्तराखंड प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। सो किसे रिसेंटली उत्तराखंड फॉरेस्ट का प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर के रूप में नियुक्त किया गया है। सो ऑप्शन देख लेते हैं रंजना काला, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है रमेश गोयल, ऑप्शन डी है नान ऑफ दिस में से एक भी नहीं। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रंजना काला। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों क्या है। नेक्स्ट सवाल है रिसेंटली व्हिच गवर्नमेंट हैज लॉन्च स्कॉलरशिप फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट। तो रिसेंटली कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने जो SC कैटेगरी है स्टूडेंट है या फिर शेड्यूल कास्ट का जो कैटेगरी का जो स्टूडेंट है उन स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलने वाला है। सो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया। ऑप्शन देख लेते हैं हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पंजाब। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल है व्हिच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्पेसिफिक रिलायबल बैक्टीरियल बायोसेंसर दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कॉमन एनवायरनमेंट पॉल्यूटेंट। सो कौन सा इंडिया के कौन से इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली वर्ल्ड का फर्स्ट एक स्पेसिफिक रिलायबल बैक्टीरियल बायोसेंसर टाइप का बायोसेंसर का डेवलप किया है, जिस सेंसर से क्या होगा कि एनवायरनमेंट में कितने परिमाण कॉमन पॉल्यूटेंट है मौजूद है ये डिटेक्ट कर सकता है इस सेंसर से। सो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा इंस्टीट्यूट है। ऑप्शन ए IIT रुड़की, इंडियन IIT मतलब क्या है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रुड़की, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी IIT खड़गपुर, ऑप्शन सी है IIT बॉम्बे एंड ऑप्शन डी IIT भुवनेश्वर। सो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए IIT रुड़की। नेक्स्ट सवाल देख लेते क्या है। रिसेंटली PM मोदी हैज लॉन्च्ड ए सी प्लेन सर्विस इन व्हिच स्टेट। सो रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी कौन सी स्टेट में एक सी प्लेन सर्विस का लॉन्च किया। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी है हरियाणा। सो सी प्लेन सर्विस जो कि गुजरात में स्टार्ट हुई है ये रिसेंटली जो इसका डेस्टिनेशन है इसका डेस्टिनेशन होगा साबरमती जो पोर्ट है साबरमती पोर्ट से स्टैचू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू है स्टैचू ऑफ यूनिटी तक ये सफर होने वाला है रिसेंटली लॉन्च किया है। अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल है व्हिच कंट्री हैज लॉन्च ए मेगा स्कीम टू ड्रेज 1000 किलोमीटर ऑफ रिवर वेज इन द कंट्री टू इम्प्रूव आईलैंड रिवर नेविगेशन। सो कौन सा कंट्री ने रिसेंटली रिवर ड्रेजिंग के लिए 1000 किलोमीटर रिवर ड्रेजिंग के लिए एक मेगा स्कीम का लॉन्च किया है जिससे आइलैंड जो होगा रिवर में उसे नेविगेशन करने में ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। ठीक है कौन सा कंट्री ने किया है। ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है USA, ऑप्शन डी है जापान। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल क्या है। द मालाबार नावल एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग इंडिया US जापान एंड ऑस्ट्रेलिया विल बिगिन इन व्हिच सी। सो जो मालाबार नावल एक्सरसाइज होता है पिछले साल भी हुई थी सो जो कि इंडिया US जापान और ऑस्ट्रेलिया ये चारों कंट्री एक साथ मिलकर करते हैं सो कौन सी सी में या फिर कौन सी ओशियन पे ये होने वाला है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बे ऑफ बंगाल, ऑप्शन सी बी है अरबियन
अरेबियन सी ऑप्शन सी है, इंडियन ओशियन ऑप्शन डी है, बे ऑफ बिस्के। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट सवाल देख लेते दोस्तों क्या है। नेक्स्ट सवाल है, व्हिच स्टेट हैज बीन नेम द बेस्ट गवर्नर स्टेट इन द कंट्री। सो कौन सा स्टेट को बेस्ट गवर्नर रूल्ड स्टेट की खिताब दिया गया है, बेस्ट गवर्नर रूल्ड स्टेट। सो ऑप्शन देख लेते, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है केरला। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केरला। नेक्स्ट सवाल देख लेते क्या है। नेक्स्ट सवाल है, व्हिच स्टेट विल सून फीचर इंडियाज फर्स्ट टायर पार्क। सो कौन सा स्टेट यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट टायर पार्क बनाया गया है, ठीक है, फर्स्ट टायर पार्क जो कि फोर व्हीलर की जो टायर है उससे टायर पार्क बनाया गया है। सो कौन सा स्टेट ने स्टार्ट किया इस पार्क का। ऑप्शन देख लेते, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वेस्ट बंगाल।